फ्रेंड्स, किचन क्वीन चैनल का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं हरे मूंग का चीला, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, हेल्दी भी है, प्रोटीन से भरा हुआ, विटामिन से भरा हुआ है और बहुत जल्दी बनता है, झटपट बनता है। सुबह में जब भी कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करे तो विटामिन से भरपूर खाइए। एक छोटी गिलास से हम मूंग दाल लिए, उसको अच्छा से 3-4 घंटा के लिए फुला दीजिए, साफ़ सुथरा करके फुला दीजिए और 3-4 पानी से धो लीजिए। मिर्च लिए, हरा मिर्च है, लहसुन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बना, लेकिन बहुत हेल्दी और टेस्टी बनेगा। ये 4-5 मिर्ची लिए हैं, लहसुन का छिलका निकाल दें और पहले लहसुन हरी मिर्च डाल दें, उसमें इस मूंग दाल को डाल दें, छिलका बिल्कुल ना निकालें, छिलका सही पीसें। हल्का सा यहाँ पर हम लोग पानी डालेंगे, बिल्कुल पानी ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि इसका ग्रेवी ना ज़्यादा पतला ना गाढ़ा करना है। नमक स्वाद अनुसार डाल दें, बहुत पतला बनेगा तो एकदम ख़राब हो जाएगा। एकदम महीन करके इसे पीसें, देखिए इस तरह से गाढ़ा होना चाहिए, गाढ़ा गाढ़ा बहुत अच्छा रहेगा। चलिए एक पतीले में हम लोग इसे निकाल लेते हैं, इसी तरह करके हम सारे पीस लेंगे। हल्का सा इसमें से पानी दे देते हैं धोकर मिक्सी का, बिल्कुल गाढ़ा बनाइएगा इसका ग्रेवी। चलिए अब हल्दी पाउडर डाल रहे हैं कलर आने के लिए, इस तरह से मिला दें। बच्चे को देना है तो तीखा बिल्कुल ना बनाए। अच्छा से मिलाने के बाद इस तरह से कलछू ले लेंगे, उसी की सहायता से हम लोग डालते जाएंगे तवा पर। इस तरह से गाढ़ा बैटर रहना चाहिए, तवा गर्म कर दीजिए, बहुत कम तेल में बनता है। इसको ज़्यादा बिल्कुल मत पकाइएगा, अगर कुरकुरा कीजिएगा तो इसका टेस्ट एकदम ख़राब हो जाएगा। आधा चम्मच तेल डाल दिए, अच्छा से फैला दीजिए इस तरह से। जब बहुत अच्छा से तवा गर्म हो जाए, तेल गर्म हो जाए, तब एकदम आँच को धीमा कर दीजिए, सॉफ्ट सॉफ्ट ही इसे पकाइएगा। कुरकुरा करने से टेस्ट एकदम इसका ख़राब हो जाता है, सॉफ्ट रहेगा तो बहुत ज़्यादा स्वाद लगेगा इसमें खाने में। इस तरह से हम लोग हल्का सा फैलाते जाएंगे, क्योंकि गाढ़ा गाढ़ा थोड़ा रहेगा तो अच्छा से इसका बैटर फैल जाएगा और बिल्कुल ज़्यादा पतला ना बनाए। इस तरह से कलछुल के साथ से हम लोग फैलाते जाएंगे। अब ज़रा सा थोड़ा सा और दिक्कत हो रहा है तो इसको चम्मच की सहायता से फैला देंगे, क्योंकि हम ज़्यादा दिए हैं तो अच्छा से फैलाएँगे। 1.5-2 मिनट पकाइएगा इसे उलट पुलट कर, हल्का सा दबा दीजिएगा तो अंदर से बाहर तक दोनों तरफ पक जाएगा। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, कभी भी इसे बना के खा सकते हैं। जब भी हल्का सा भूख लगे तो इस तरह से बना के ज़रूर एक बार खा लीजिए। मूंग दाल का चीला बनाने का रेसिपी पसंद आ जाए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, कमेंट में बताएं। कभी भी इसे कुरकुरा मत बनाए, इसे स्वाद एकदम इसका ख़राब हो जाता है। अगल बगल से हल्का सा छुड़ा के देखिए, अगर जल्दी से छूट जाएगा तो इसका मतलब आपका चीला एक तरफ से रेडी हो चुका है। एक तरफ इस तरह से पलट दें, कच्चा में कभी ना पलटें। हल्का सा फिर से तेल डालेंगे, थोड़ी सा एकदम डालिए, फिर से इसे अच्छा से उलट पुलट के हम लोग घुमा के दबा देंगे ताकि बहुत अच्छा तरह से घुल मिल जाए, अच्छा से पक जाए दोनों तरफ। इस तरह से उलट पुलट कर दें, उलट पुलट करने से क्या होगा, दोनों तरफ अच्छा से पक जाएगा। इस तरह से दबा दबा के पका दीजिए, आँच एकदम धीमा रखिएगा, कभी भी आँच को गलती से भी तेज़ मत कीजिएगा, इसका टेस्ट खराब हो जाएगा और कम तेल में नहीं बन पाएगा। विटामिन से भरपूर है, आप पूरे परिवार के साथ इसे खा सकते हैं, नाश्ता में, बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं आप। बहुत जल्दी बन जाता है, मात्र 3 मिनट के अंदर आप एक चीला आपका बन के रेडी हो जाएगा। इस तरह से मोटा मोटा ही बनाएं, बिल्कुल ज़्यादा पतला मत बनाएं। इस तरह से मोड़ने में दिक्कत हो रहा मोटा के कारण, इस तरह से हम रुमाल के आकार का बना दिए हैं। इस तरह से सारे बना के आप इसे दही के साथ, सॉस के साथ, चटनी के साथ, किसी की भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। चलिए आपको सर्व करके दिखाएं, आपको खा के दिखा रहे, एकदम सॉफ्ट है। इस तरह से खाएँ, इंजॉय करें पूरे परिवार के साथ।